35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में मिल रहा है। इसका सीधा सीधा नुकसान बिहार की बेटियों को हो रहा है। सामान्य कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को इसका नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही SC ST OBC कैटेगरी की बिहार की महिला अभ्यर्थियों को भी इसका नुकसान हो रहा है। 35% महिला आरक्षण का लाभ जब नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की ही बेटियों का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण के तहत होगा। जब बिहार सरकार के गजट में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा, तो फिर 35% महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है? बिहार की बेटियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। छात्र नेता दिलीप साफ कह रहे हैं कि बिहार की बेटियों को, बिहार के महिलाओं को 35% आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के बारे में बोल रहे। छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं महिलाओं के आरक्षण के बारे में, आप वो सुनिए। दोस्तों, बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2016 से बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उस राज्य के मूल निवासियों, अस्थायी निवासियों को ही मिलता है, लेकिन बिहार की सरकारी नौकरियों, दरोगा, सिपाही, सचिवालय सहायक, BSSC, BPSC, शिक्षक भर्ती एवं अन्य सभी बहालियों में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में मिल रहा है। इसका सीधा सीधा नुकसान बिहार की बेटियों को हो रहा है। सामान्य कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को इसका नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही SC ST OBC कैटेगरी की बिहार की महिला अभ्यर्थियों को भी इसका नुकसान हो रहा है। जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ अगर बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाए तो इससे जनरल कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों का कटऑफ थोड़ा कम जाएगा और इसका सीधा सीधा फायदा बिहार की बेटियों को होगा। जनरल कैटेगरी की बिहार की बेटियों को तो होगा ही, साथ ही SC ST और OBC कैटेगरी की बिहार की महिला अभ्यर्थियों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि कटऑफ जब कम जाएगा और बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ जब नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की ही बेटियों का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण के तहत होगा। जनरल कैटेगरी में जितना कटऑफ जाएगा उतना मार्क्स अगर बिहार की बेटियां भी लाएगी, चाहे SC ST हो या OBC हो, तो उनका सिलेक्शन भी जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी की महिला आरक्षण में हो जाएगा 35% महिला आरक्षण के तहत। और वैसी परिस्थिति में SC ST और OBC कैटेगरी में उसी कैटेगरी की अन्य यानी और अधिक महिला अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, और सामान्य कैटेगरी में भी सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की भी महिला अभ्यर्थियों के, बिहार की बेटियों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होगा। इस प्रकार पूरे बिहार की बेटियों को इससे फायदा होगा, इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा साधन और पहले की एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है। वैसी परिस्थिति में अगर बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो यह बिहार की बेटियों के साथ अन्याय है। हो सकता है नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बात न हो कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है। हो सकता है कि बिहार के अधिकारी और भर्ती आयोग इसका दुरुपयोग कर रहे हो, क्योंकि बिहार सरकार के गजट में भी लिखा हुआ है कि किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। जब बिहार सरकार के गजट में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा, तो फिर 35% महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है? इसलिए हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस पे संज्ञान लीजिए और 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए, बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में नहीं मिलना चाहिए। इस पे नीतीश कुमार जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए और एक दिशा निर्देश सभी भर्ती आयोग को, सामान्य प्रशासन आयोग के द्वारा जारी करवाइए, ताकि बिहार की बेटियों के साथ न्याय हो और इनका जो हकमारी हो रहा है वो हकमारी बंद हो, और बिहार की जितनी भी बेटियां हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, SC ST हो या OBC कैटेगरी से हो, आप तमाम बिहार की बेटियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी तक ये बात पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा और 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी तक हम लोगों को आवाज पहुंचानी है, बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचानी है, तो आप तमाम
जितनी भी बिहार की बेटियां, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर आवाज उठाए सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और भी इंस्टाग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल साइट पे आप लोग आवाज उठाइए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और हमें कॉल करके बताइए, आप हमारा साथ दीजिए। हम एक ग्रुप बनाएंगे, फिर पटना में जल्द ही एक मीटिंग रखेंगे और अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाएंगे। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और एकजुट होकर आवाज उठाइए। और हमें विश्वास है नीतीश कुमार जी तक जब ये बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से बिहार की बेटियों के साथ नीतीश कुमार जी न्याय करेंगे। तो आपने सुन लिया कि वो दरोगा बहाली हो या फिर कोई भी बहाली हो जो कि सरकारी नौकरी में आती है, उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलना ही चाहिए। और आरक्षण पे क्या कुछ कहा है छात्र दलित ने वो आपने सुन लिया। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार नए नए मुद्दे सामने आते हैं। बस लाइक साथ बने, सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।